बदर बिन सुलेमान स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन के नाते आज हम लोग सर और जन जागरूकता कैंसर जन जागरूकता एसोसिएशन और स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन की तरफ से एक कंबाइंड जो है तो हमने टूर्नामेंट रखा जो कैंसर रिलीफ फंड के नाम से टूर्नामेंट रखा। तो टूर्नामेंट रखने का मकसद हमारा ये है कि हमारा तो स्पोर्ट्स का मकसद ये था कि भाई लोग नशे से दूर जाए और सर्वे आने के बाद हमारे पास ये क्लियर होगा कि और भी जो यानी लोग नशे से जो बीमारियां पैदा होती उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसके तहत हमने औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन और कैंसर जन जागरूकता एसोसिएशन की ओर से एक कैंसर रिलीफ टूर्नामेंट का इनका ये कितने दिन चलना है टूर्नामेंट? ये कम से कम ये 3 से 4 दिन टूर्नामेंट चलेगा। ये हमारी इब्तदा है। इसके बाद हम आगे भी इसको जो अभी माहौल को देखते हुए आज बच्चे जो तो स्पोर्ट्स की तरफ रागब नहीं थे, वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो स्पोर्ट वगैरह वगैरह। अब क्या है कि ये टूर्नामेंट होने के बाद एक महीना 2 महीने के बाद हम एक यही 10 पर एक बड़ा सर टूर्नामेंट लेंगे और इसमें से हम सियासी सामाजिक सभी लोगों को इन्वॉल्व करें। कितने टीम हिस्सा लेंगे? अभी फिलहाल में 12 से 16 टीम लेने की उम्मीद है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा ये लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आरोग्य जागृति डॉक्टर साहब आप बोलिए, ये रिलीफ फंड आप कहाँ यूज करने वाले हैं? कैसा है इसके लिए कहाँ इसके बाद इंतजाम किए कि डॉक्टर बोले तो दवाखाने में देने वाले? एक्चुअली हुआ ऐसा है कि आरोग्य जागृति एसोसिएशन जो काम कर रहा है कैंसर रिलीफ के लिए, हमने देखा है कि यूथ वर्ग जो है तो नशे की ओर ज़्यादा जा रहा है, तो इसी के लिए हमने औरंगाबाद लोअर एसोसिएशन के और हमारे आरोग्य जागृति एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसका उद्देश्य एक ही है क्या यूथ वर्ग ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ इन्वॉल्व हो और उसी के माध्यम से जो नशे में जो टाइम दे रहे हैं वो खेल में टाइम दे, इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है हमने। अभी जैसा देहात में हम तो जन जागृति करते ही है लेकिन यूथ में हम नहीं जा पा रहे हैं। यूथ के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देना है कि भाई नशे से आपको बीमारी तो हो ही जाती है लेकिन आपके पीछे जो परिवार है, जो परिवार जो सफ़र होता है उसके लिए नशे की ओर न जाते हुए स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना हेल्थ फिट रहे। ये टूर्नामेंट जो है तो हर साल है तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे। अभी पहला फर्स्ट हमारा ये ऑर्गेनाइज किया है, इसमें हमको तो नेक्स्ट हर ईयर को हम ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं और अच्छे लेवल पर बनाएंगे। इसमें स्कूल और कॉलेज की टीमें रहेंगी या फिर जो है तो कितनी बड़ी उम्र के लोग मतलब इसमें हिस्सा लेने वाले? ये इसमें ना अभी क्लब्स को इनवाइट किए है, अभी पहली बार है तो ये पहली बार है उसकी वजह से क्लब्स को इनवाइट किए है। अभी स्कूल कॉलेजेस है तो अभी फुल्ली ड्यू टू कोविड अभी चालू नहीं हुए और उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम होने की वजह से स्कूल्स को और कॉलेजेस को इनवाइट नहीं किया हमने, अभी सिर्फ क्लब्स को इनवाइट किया। अभी जो हमारे जैसे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे 15 से 16 टीमें आएंगी, उसमें पार्टिसिपेशन होगा और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए तो इन टीमों को तो गाइडलाइन करेंगे, जो नशे से मुक्त होने के फायदे बताएंगे और फिटनेस रहने के जो टिप्स रहते वो भी देंगे। बिफोर मैच मैंने अब बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, उनको इंट्रोडक्शन करते टाइम पे 5-10 मिनट के लिए तो बात करने के लिए आने वाले हर डॉक्टर्स को हम कहेंगे। एंट्री फीस क्या रखे आपने? एंट्री फीस इसकी ना 1000 रुपया है। 16 टीमों से 16,000 रुपया जी। तो ये जो है तो आप कैंसर के पीड़ितों के लिए जो है तो करना है सर। इसमें ऐसा है कि जो भी एक्सपेंसेस आएगा समझो, अच्छा उसकी वजह जो बचेगा इसमें मतलब वहाँ पे खर्चा आएगा जो ग्राउंड का रेफरी का ओवर है, उसके बाद जो बचेगा हम कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यूज करेंगे। आरोग्य जागृति एसोसिएशन जो है तो ये कैंसर के ऊपर जो है तो रेगुलर काम कर रही है। कैंसर हॉस्पिटल में उनके अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग वार्ड में जो है तो आरोग्य मित्र के नाम से उनके वॉलंटियर हैं और हर वार्ड में जो है तो वो बोर्ड वगैरह वो सेंटर की ओपनिंग करते हैं और वहाँ अवेयरनेस करते हैं। ताकि किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया तो उसको जो है मालूमात के लिए बहुत परेशानी होती है, या गवर्नमेंट योजनाओं में किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करना उसके लिए दिक्कत होती है। कहीं पर अगर एक बोर्ड उसको दिख जाए तो एक उसके दिल में उम्मीद की किरण जाती है कि इस बोर्ड के माध्यम से, एक आरोग्य के मित्र के माध्यम से हो सकता है कि मेरे पेशेंट को या उसको कहीं पर रिलीफ मिलेगा। तो ये प्रोग्राम उनका पूरा मुसलसल 7 दिन रहता, उसमें अलग अलग एक्टर के व्याख्यान होते, उनको वो जो है तो उनके चैनल पर बुला के उनके इंटरव्यूज वगैरह प्रकाशित करते। इन सारे एक्सपेंसेस को जो साल भर का देखे तो वो लाखों रुपए में उनका एक्सपेंसेस होता। उनका एक प्रपोजल हमारे औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन के पास आया था कि हम इस तरीके से काम कर रहे और आप भी जो है तो औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन युवाओं के खेल के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्यों ना अगर हम ये दोनों को मिलाकर एक प्रोग्राम अरेंज करें, युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए, हम भी कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिला के अगर एक होता है और उसमें से अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से अगर कुछ हमको मदद मिलती है तो वो आने वाले टाइम में हम जो कैंसर के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए काम आएगा। वैसा उन्होंने गवर्नमेंट को भी प्रपोजल दिया है, हो सकता वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी उनका प्रपोजल मंजूर कर ले, मगर जब तक गवर्नमेंट प्रपोजल मंजूर नहीं करती तो वहाँ हमने बोले भाई लोग ऑर्गेनिक करके, या जो आपका एसोसिएशन है, जो आपके पास अलग अलग हॉस्पिटल अटैच है, उन डॉक्टरों की मदद से अगर हम ये रिलीफ का काम कर सके तो ये बच्चों के लिए भी एक प्रेरणादायी रहेगा। ये सोच के हमने आने वाले 28 तारीख से ये 8 दिन का प्रोग्राम हमने अरेंज किया। उसमें जो 16 टीमें हैं तो हमारे पास पहले कैसे होते थे, एक ही दिन में 4-5 मैचेस हो जाते थे। एसोसिएशन ने हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि 4-5 मैच एक साथ गैदर नहीं करते हुए कि अगर पर डे अगर हम 2 मैच रखें और अच्छे 4 डॉक्टर को या समाज सेवकों को बुलाकर अगर हम उनको उसके ऊपर व्याख्यान दे सके गुटके के ऊपर तो ये बच्चों के लिए तो फायदेमंद रहेगा। सर बेसिकली बात ये है कि जो वर्ल्ड टूर्नामेंट में क्लब हिस्सा ले रहे हैं जी, वो लोग तो पहले से कहते फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, वो पहले से फिट है जी। अब उन्हीं को जन जागरूकता का तो आप पार्ट पढ़ाएंगे तो कैसा होगा? आपका अगर जो आने वाली भीड़ है या जो लोग हैं उनके लिए कैसा मैसेज रहेगा और वहाँ आप लोग कैसा पहुँचेंगे? हाँ सर, इसका मैसेज ऐसा है, अभी यूथ जो फिटनेस के लिए अपना स्पोर्ट्स में टाइम दे रहे हैं, अगर उनको देखिए 10 नौजवान देख रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम भी खेले तो हम भी फिट रहेंगे, इसका मैसेज तो ऐसा जाएगा सर। क्योंकि करीब जो यूथ वर्ग देखने को आएगा वो भी देखेगा भाई इतना फिट रहता है, इतनी उम्र होने के बाद भी इतना फास्ट खेलता है तो हमको भी खेलना चाहिए। जो कि नशे में जो टाइम डाल रहे हैं वो इसमें टाइम डाले तो काफी अच्छा हेल्थ रहेगा। मैच जो ट्रेन है नहीं सर, डे में रहेंगे, दिन में रहेंगे, ये 2 ही मैचेस रहेंगे दोपहर के सेशन के बाद, दोपहर के जी 2 मैचेस रहेंगे, हर दिन 2 मैचेस रहेंगे। उद्घाटन किती तारखेला किती वाजता कोणाच्या हस्ते होणार? सर आम्ही याच्यात उद्घाटनचं असं केलं आहे की कोणी कोणाला मुख्य बनवलं नाही आपण, कारण आपण सर्वच त्याचे उद्घाटक आहोत, बरोबर ना? कारण आपण कोणाला एकदम हे कॅन्सर जन जागरूकता सर्वांसाठीच आहे, तर कोणी असं मुख्य आपण बोलू नये, जे मान्यवर येणार त्यांच्या हस्ते आपण इनोव्हेशन चालू करणार। सकाळी किती वाजता? नाही सर 2 वाजता आपण स्टार्ट करणार आहे। गायकवाड सर सर तो येणारच आहे, औरंगाबादचे जवळपास टाकाकर सर आहे, गुप्ता सर आहे, परवीन सुरेश सर आहे, असे मान्यवर सर येणारच आहे। आणि यामध्ये मला जे कॅन्सरवर काम करतात रुग्णालय पण ते पण खूप सपोर्ट करत आहे, हे पण आम्हाला मोटिवेशन देत असते नेहमी। आणि आमच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना असं सहकार्य करतो, आम्ही खिशात मदत करते पण समुपदेशन ज्यांना पुढे आवश्यकता पडली आपली माहिती जितेवढ आम्ही देतो, महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत योजना असो किंवा प्रॉपर यांना प्रॉपर गायडन्स मिळालं तरच ते उपचार चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो। सर अभी अपन ने एक फेडरेशन बना है आरोग्य जागृति फेडरेशन, इसमें इसके अंदर में अभी तो 32 NGO जुड़ गए हैं, अलग अलग एनजीओ अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं, कोई महिला पे कर रहा है, कोई बच्चों पे कर रहा है, कोई एड्स पे कर रहा है, कोई कैंसर पे, जैसा भी हमने एक कैंसर पे हमारी एनजीओ काम कर रही है। आरोग्य जागृति